जोरदार काम यहाँ पर। हम आए हुए हैं घंडल NH 205 पर। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि इस NH के गिर जाने से बहुत ही दिनों से लोगों को यातायात में एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे का पुल बिछ चुका है, वन वे होगा ये यहाँ से काफी ज्यादा रोड धस गया था कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण। ये देखिए ये बन चुका है यहाँ पर पुल, और ये कुछ दिनों में तैयार भी हो जाएगा। बहुत ही कार्य प्रगति पर है वाला कार्यक्रम यहाँ पर चला हुआ है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो ज़मीन है ये नीचे से धसी थी, क्योंकि ऊपर से तो जो रोड था वो ये था, यहाँ था ये रोड, कहाँ पहुँच गया बेचारा। पैराफिट वैसे के वैसे ही है। अभी यहाँ से जो रास्ता है ये रखा हुआ है पैदल चल के जाने वाले यात्रियों के लिए, जो इन्होंने बाधित मार्ग में जो यहाँ से सवारी आएगी वो यहाँ से पैदल चल के यहाँ से 100 मीटर दूर और दूसरी तरफ सरकारी बसें खड़ी रहती है जो शिमला से आती है, और यहाँ की बसें यहीं से वापस मुड़ जाती है, और अब हम भी यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे। दोस्तों लगभग एक हफ्ता या एक हफ्ते से कुछ ज़्यादा दिन, 2 हफ्ते लग सकते हैं इस कार्य को पूरा होने में, और उसके बाद ही यहाँ से यातायात के लिए इस मार्ग को खोल दिया जाएगा। तब तक अभी फिर से लोगों को बहुत सी उलझनों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जो दूसरा मार्ग है वो रास्ता रखा हुआ है आपका एक शकराह वाला रोड और उसके अलावा एक कालीहट्टी वाला रोड। ये दोनों रोड आपके घनाटी के आसपास के क्षेत्र में जाकर मिल जाते हैं, और वहाँ से वापस से उसी NH में जो शिमला के लिए रास्ता है वो खुल जाता है। और ये देखिए यहाँ पर मशीनें काफ़ी लगी हुई है। खैर ये जो लोकेशन है ये घंडल जो हमारी नेशनल जुडिशियल एकेडमी है उसके आसपास का ये एरिया है। वहाँ पर एक ये दंगा, ये जो रास्ता गिरा था उसकी वजह से ये वाली बिल्डिंग थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है। देखते हैं क्या होता है उस बिल्डिंग का भी। और फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुल, काफ़ी लंबा पुल लगा हुआ है, और इसके अलावा इसका कोई विकल्प भी नहीं था कि कुछ और इसमें किया जा सके, तो यहाँ पर पुल लग चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस।